मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं लाइफ विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़े की कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय हर किसी को पसंद होती है, तो आज हम बनाएंगे शादियों वाली कश्मीरी चाय। बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 कप पानी के लिए, 2 गिलास पानी के ले लें, और इसमें हमने ग्रीन टी यानी ग्रीन टी के 2 टेबल स्पून ग्रीन टी इसमें डाली है। हम इसमें इलायची डालेंगे, 3 अदद हमने इसमें इलायची डाली। हसबे जरूरत हम इसमें नमक डालेंगे, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना आपको पसंद है उतना डालें। और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे, इस चम्मच की मदद से ऊपर को प्रेस करेंगे फिर नीचे को, इस तरह अच्छे से हमारा पक ची गई है, कावा इसे हम कहेंगे। तकरीबन हमें इसे इतनी देर पकाना है कि हमारे 2 कप में से 1 कप हमारे पास कावे का रह जाए। 2 कप इसमें पानी डाला था, हमारे पास 1 कप बच गया पानी। अब हम क्या करेंगे, इसे शॉक लगाएंगे। अब हम इसमें ठंडा बर्फ वाला पानी डाल देंगे। 2 कप इसमें पानी डाल दिया हमने, और देख सकते हैं बर्फ वाला हमने इसमें सोडे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है किया। सोडा डालने से जो जायका होता है, टेस्ट होता है, वो भी खराब होता है, तो इसलिए हम इसमें सोडा नहीं डालेंगे। सोडे के बगैर ही कलर हमारा बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त निकल आएगा। और अब हम इसे फिर अच्छे से पकाएंगे। अब हमने दूध रख लिए दूध उबाल करने के लिए, इसे यूं ही अच्छे से पकाना। हमारे पास 1 कप कावा रह गया था, तो हमने इसमें बिल्कुल ठंडा पानी बर्फ वाला इसमें डाल दिया था 2 कप। तो अब हमारे पास से तकरीबन 1.5 कप है, ये अच्छे से हमने पका लिया। इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, कलर भी बहुत अच्छा निकल आया है। देख हमारे पास इधर 3 कप दूध था, इसमें हम 3 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। हमने 3 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दी है, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे पिस्ता, कटा हुआ पिस्ता और बादाम, खूबसूरती और जायके के लिए। अब इसे पका लेंगे, इससे एक तो जायका भी बहुत ही अच्छा, टेस्ट बहुत ही अच्छा माशाल्लाह इससे आता है, और दूसरे इसकी खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की शान से इजाफा हो जाता है। फ्लेम हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा गर्म चाय पसंद होती है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल लो कर देंगे अपना गैस। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये काफ़ी भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रही है, तो इसका भी हम 1 या 2 मिनट के बाद फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसे आप डिश आउट करेंगे। 1 कप में खूबसूरत कप लेंगे, उसमें डिश आउट करेंगे, इसे छान लेंगे इस तरह, एक ग्लास में, इस ग्लास के ऊपर पानी रखेंगे और इसे छान लेंगे इसी तरह सारा कप। इतनी अच्छी और मसे की खुशबू आ रही है, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब हम इसमें कावा डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम उस तरह ही इसमें कावा डालेंगे। अगर तेज़ पसंद है तो आप तेज़ डाल, अगर नहीं पसंद तो आप इतना तेज़ ना। इसे 1 स्पून छोटे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे गार्निश करेंगे इसके ऊपर काजू पिस्ता बादाम लगा के अच्छे से। चलिए जी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त, और अब मैं दिखा रही हूँ आपको जूम करके, कितनी ज़बरदस्त कलर भी आया और काफ़ी भी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त तैयार होगी है हमारी कश्मीरी चाय। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी, हर किसी का अपना अपना बनाने का टेस्ट होता है, लेकिन बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। हमने इसमें सोडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, ये आप लोग ये नहीं कह रहे कि हमने इसमें सोडे का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारा कलर इतना अच्छा और मज़े का आ गया।
बिल्कुल भी नहीं, हमने इसमें सोडे का इस्तेमाल किया, अब विदाउट सोडे के बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सोडा हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा भी नहीं होता, तो दूसरा इसका टेस्ट भी बिल्कुल नहीं आता, बस इसका कलर, इससे कलर आता है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना ही अच्छा कलर आएगा, उसमें इतना कलर भी हमारा अच्छा आएगा, जितना हम उसे अच्छे से कावे को कॉफ़ी को पकाएंगे उतना ही हमारा कलर भी टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो ये कश्मीरी चाय वाली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें, कि ताकि इससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।